प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो कल एग्जाम में कराए थे उससे आगे के एग्जाम में करवाऊंगा। और ये है अपनी बुक्स का एग्जाम के नंबर 4 इस चैप्टर में, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड और पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड है। क्या है एग्जाम में के चक्कर? अब हमने देखिए कार्ती वाला एग्जाम्पल का लिया है। कार्ती वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कि कार्तीय से कैसे निकालते हैं, किसी बिंदु पर किस तरह से हम वक्र का त्रिज्या ज्ञात करते हैं, वो प्रश्न भी मैंने बताया। उसके बाद आता है कि यदि वक्र का प्राचलिक समीकरण दिया गया हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखिए चक्र x, इसके लिए एग्जाम्पल है, चक्र x बराबर a थीटा प्लस के साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस के कॉस थीटा, के लिए सिद्ध कीजिए रो बराबर, रो का मतलब वक्र का त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। अब इसका हल देखते हैं। दिया वक्र या दिया चक्र x इक्वल टू a और थीटा प्लस साइन थीटा तथा y इक्वल टू a और 1 माइनस के cos थीटा। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम dx अपॉन d थीटा ज्ञात करें, यहां से dx अपॉन dy अपॉन d थीटा, तो dy अपॉन dx ज्ञात करें, dy upon dx ज्ञात करके हम d square y upon dx square ज्ञात करेंगे, तो हमारा सूत्र वो रहेगा कि 1 plus है y 1 का square 2 की power 3 by 2 और upon y 2 0 वाला सूत्र लगेगा। और यदि हम इसको प्राचलिक वाले से निकलना चाहते हैं, यानी कि x double dash y double dash निकालना चाहते हैं, तो हमारा सूत्र जो लगेगा वो आ जाएगा आपका x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर की घात 3 बाई 2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस के y डैश x डबल डैश, फिर इस सूत्र से करना पड़ेगा। तो दोनों तरह से ये प्रश्न हो जाएगा, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों सूत्रों से कर सकते हैं, लेकिन हम प्राचलिक रूप लेके चल रहे हैं तो प्राचलिक वाले से करेंगे, हम इस वाले से करना चाह रहे हैं, इससे भी वो उसी तरह का ही, कोई ज्यादा इजी या कोई ज्यादा कठिन ऐसा नहीं पड़ेगा इसमें। अब लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन का मान, थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एक्स डैश इसे लिखते हैं dx upon d theta बराबर कितना आ जाएगा, a 1 plus के cos theta हो जाएगा तथा y dash बराबर dy upon d theta होगा और यहां से कितना आ जाएगा a sin theta आ जाएगा, 0 हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा। पुनः एक बार और करेंगे x डबल डैश, एक बार और करते हैं तो माइनस के a और साइन थीटा हो जाएगा तथा y डबल डैश बराबर a और कॉस थीटा हो जाएगा। यदि इसको हम चक्रज को समीकरण 1 देते हैं तो ये हमारे 2 नंबर ये हो जाएगी समीकरण और 3 नंबर समीकरण, इस तरह से हम ये दे सकते हैं। हमने क्या निकाल लिया है सूत्र के लिए कि x डैश का मान निकाल दिया, y डैश का मान निकाल दिया, x डबल डैश का मान निकाल दिया, y डबल डैश का मान निकाल दिया, तो अब क्या करना है इस सूत्र में रखना है, केवल इस सूत्र में रखना है। अब सूत्र में रखते हैं, अतः सूत्र से अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे।
सूत्र से रो बराबर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की घात 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस के वाई डैश एक्स डबल डैश। अब इसमें मान रखने पर समीकरण 2-3 से मान रखने पर की घात 3/2
अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय, यहां से 2 और 2 4 तो 4 रूट 4 यानी 4 का 2 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा 8a, और नीचे कितना है ऊपर कितना आ जाएगा cos q थीटा y 2 क्योंकि इसकी घात चढ़ाएंगे तो उससे 2 कट जाएगा, नीचे कितना आ रहा है कि 2 और cos स्क्वायर थीटा y 2 रो बराबर आंसर कितना आ जाएगा 4a 4a और cos थीटा y 2 4a cos थीटा y 2 तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा एग्जांपल था कि प्राचलिक समीकरण यह वक्रता दिया गया है। एक है हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका मेथड भी थोड़ा सा अलग है, हालांकि न्यूटन की विधि से ही है हमारा वो, लेकिन थोड़ा सा इसका मेथड अलग से अच्छा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए एग्जाम्पल नंबर 10 है ये। सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू इज इक्वल टू 3xy, जो फोलियम दिया गया है के मूल बिंदु पर वक्र का त्रिज्या थ्री बाई टू ए होती है, थ्री बाई टू ए होती है। देखिए हमारा न्यूटन में था कि वक्र मूल बिंदु से गुजरना चाहिए, न्यूटन विधि थी, और दूसरी कंडीशन क्या थी उसमें एक्स अक्ष या वाई अक्ष उसकी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि वक्र के समीकरण में जो भी न्यूनतम घात वाले पद है उसको क्या रख देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं। अब वक्र के समीकरण में न्यूनतम घात वाला पद कितना है, यहाँ तीन घात है या तीन घात है, यहाँ दो घात है, इस दो घात वाले पद को हम क्या करेंगे जीरो के बराबर रख देंगे। जैसे ही जीरो के बराबर रखते हैं तो हम लिख सकते हैं इसका हल वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, यानी एक्स बराबर जीरो रखते हैं तो वाई बराबर भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो मूल बिंदु से गुजरता है तथा मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए वक्र के न्यूनतम घात वाले पदों को शून्य के बराबर, शून्य के बराबर रख देते हैं या रखते हैं।
यानी कि 3ax y बराबर 0 दिस इंप्लाई दैट x y बराबर 0 दिस इंप्लाई दैट x बराबर 0 या y बराबर 0 दोनों ही x बराबर 0 और y बराबर 0 आ रहा है यानी कि x बराबर 0 y बराबर 0 दोनों ही दो स्पर्श रेखाएं हैं मूल बिंदु पर तो यहां लोग के हमारे कितने मान आएंगे दो मान आएंगे क्योंकि एक हमारी x बराबर 0 यानी y अक्ष हमारा क्या है इसकी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है और x अक्ष भी हमारा मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है तो यहां से हमारे कितने मान प्राप्त होंगे दो मान प्राप्त होंगे तो अतः सूत्र से अब यहां पे थोड़ा सा इसका एक हमने मान लिया रो 1 क्यों दो मान है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y तथा रो 2 बराबर लिमिट अब इसमें y भी लिख सकते हो और x भी लिख सकते हो इससे कोई अंतर नहीं कि y टेंड्स टू 0 और y स्क्वायर अपॉन 2x ये हमारे दो रो मान लिए अब इस रो 1 को ज्ञात करने के लिए यदि हम y का मान समीकरण में दिए समीकरण में रख देते हैं तो हम रो 1 का मान ज्ञात करेंगे तो यहां इसलिए यहां तक के हम y का मान निकालते हैं इसलिए दी गई समीकरण में y बराबर x स्क्वायर अपॉन 2 रो 1 और लिमिट वही x टेंड्स टू 0 लिमिट बाद में लगा देंगे इसको मान तो हम क्या रख रहे हैं ये मान तो दी गई समीकरण में y बराबर इतना रखने पर बाद में लिमिट भी लगाएंगे x की लिमिट लगेगी और जैसे ही समीकरण में रखते हैं भाई का मान रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा यहां से देखिए समीकरण हमारी ये समीकरण है और इस समीकरण में हम भाई का मान रख रहे हैं रो वन के रूप में रख रहे हैं तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसका क्यूब करना है तो यहां से घात इसके हमें कितनी देनी पड़ेगी 6 घात हो जाएगी और नीचे कितना है हमारा q हो रहा है तो a और रो 1 का q बराबर कितना दिया गया है 3ax y का मान यहां भी रखेंगे तो x क्यूब अपॉन 2 और रो 1 देखिए x क्यूब पूरे में से निकल जाएगा यहां से तो हम इसको सॉल्व करेंगे x क्यूब निकालते हैं x क्यूब कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस a x टू दी पावर क्यूब अपॉन a रो 1 क्यूब रह गया और यहां 3a x की घात कितनी है 4 और अपॉन कितना है 2 रो 1 है अब इसको सॉल्व करते हैं तो x की तो 1 प्लस के x की अपॉन 8 रो 1 की बराबर 3a x अपॉन यहां क्यूब नहीं होगा ये x का मान जो रख रहे हैं हमारा x स्क्वायर है x स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा x क्यूब ही होगा ये क्यूब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर का मान तो x की 3a अपॉन 2 और रो 1 ये मान आ जाता है अब लिमिट इसमें लगाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 लेने पर तो ये 1 प्लस 0 बराबर 3a
कितना है टेन, रो वन बराबर थ्री ए और बाई थ्री ए बाई टू, ये रो वन का मान आ जाता है। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ रो वन दो वक्रता त्रिज्या, इसी प्रकार हम रो टू का मान भी थ्री ए बाई टू ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कि जैसे हमने इसमें बाई का मान रखा था समीकरण में, इसी तरह से हम x का मान इस दिए गए समीकरण में रखेंगे, और समीकरण में रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे लिमिट बाई टेंस टू जीरो लेंगे तो ये रो टू का मान आ जाएगा थ्री ए बाई टू। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।